सिम्स हॉस्पिटल वडपालनी चेन्नई। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे द्वीपों में जो है पर्यटन का कितना बड़ा रोल है। अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द सोर्स ऑफ इकोनॉमी हमारे द्वीपों का टूरिज्म ही है और इससे हजारों लोग जुड़े हुए हैं कई तरीके से, फिर चाहे वे टूरिस्ट गाइड हो, टैक्सी ड्राइवर हो, बोट ओनर्स हो, टू व्हीलर फोर व्हीलर जो रेंट पे देते हो, होटल इंडस्ट्री हो, होटल में काम करने वाले लोग हो, रिजॉर्ट्स में हो, रेस्टोरेंट्स में हो, समुद्री तटों पर बीचेस में जो एक्टिविटीज कराते हैं, ये सारे लोग जो है पूरी तरीके से डायरेक्टली टूरिज्म से ही जुड़े हुए हैं और हमारे द्वीपों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए इनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है और वे बखूबी इस रोल को अदा भी करते हैं। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे द्वीपों में भी वर्ष प्रति वर्ष जो है टूरिज्म बढ़ती भी जा रही है। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है और इसी अवसर पर हमारे श्री विजयपुरम के बीआर अंबेडकर ऑडिटोरियम में एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म श्री विश्वेंद्र सर और उनके साथ टूरिज्म डायरेक्टर श्री अजहरुद्दीन सर के अलावा बहुत सारे स्टेक होल्डर्स एंड पर्यटन विभाग के कई सारे लोग भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और कई सारे रंगारंग कार्यक्रम के साथ इस क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छे कार्य किए हैं उन लोगों को आज यहाँ पे सम्मानित भी किया जाएगा। कुछ ही हफ्तों बाद यानी नवंबर महीने से जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज सेवाएं भी शुरू हो जाएगी। जो पहला फ्लाइट है पोर्ट ब्लेयर से कुआलालंपुर यानी मलेशिया जाने वाला, इसकी भी शुरुआत हो जाएगी। तो अब हम जो है इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में भी पहुंचने वाले हैं, तो फिर ये देखना भी बहुत जरूरी है कि हम जो है इस स्तर को बरकरार रखने के लिए कैसे अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सके और ताकि अंडमान निकोबार ये जो द्वीप समूह है इसको हम पूरी दुनिया में फैला सके और यहाँ की सुंदरता, यहाँ का व्यवहार, यहाँ के लोगों का व्यवहार, ये सब मायने रखते हैं और ये हम सब पर ही निर्भर करता है कि हम दुनिया को अपने आप को दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं। ये बहुत जरूरी हो जाएगा, हमें पूरा विश्वास है कि इस पर हम जो है खरा ही उतरेंगे। ये बात भी देखना बहुत जरूरी है कि हम इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम सेक्रेटरी टूरिज्म से इस विषय पर बात कर सके। समय की कमी होने की वजह से हो सकता है कि वे आज इस पर बात ना करें। अगर बात नहीं हो पाती है, हम आप दर्शकों को ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हम समय निकालकर उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे और इस सेक्शन में ढेरों सारी बातें करेंगे। आप लोगों के जो भी सवाल जवाब होंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम सेक्रेटरी टूरिज्म डायरेक्टर से इस विषय पर बात भी करेंगे। फिलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हो कि बीआर अंबेडकर ऑडिटोरियम में आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो चलिए हम आप लोगों को सीधे उस कार्यक्रम की ओर ले चलते हैं। Very good evening to all of you. My friends from industry, Mr. Mohammed Jadwe, Vinod Ji, Tanvir, Rantan Ji,
and our guest from Arunachal Pradesh, Dr. Gurmeet, our fellow friends from media, and all of those who are here. First of all, I will commence my address by congratulating you on the World Tourism Day. You know, tourism is an activity where you quench your wanderlust. Aap अलग अलग जगह तीर्थाटन करने जाते हैं, अपने अलग अलग एक्सपीरियंस को एक समाहित करके जो चीज बनती है वो टूरिज्म होता है. अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स आटो हैज ऑर्गेनाइज्ड वेरियस एक्टिविटीज लाइक बर्ड वॉचिंग टूर टू चिड़िया टापू, बायोलॉजिकल पार्क, क्लीनलीनेस ड्राइव एट फिश लैंडिंग सेंटर एंड ट्री प्लांटेशन ड्राइव एट वंडूर बीच. लेट अस नाउ हियर इट फ्रॉम श्री विनोद, प्रेसिडेंट आटो. सबको मेरा नमस्कार. आज हमारी जो आइडेंटिटी है पर्यटन उद्योग से हमारी पहचान है, तो आज मैं चाहूँगा कि एक बार फिर हम सब एक प्रण लेके पर्यटन उद्योग को सिर्फ अपना बिजनेस समझे, इसको एक श्रद्धा से और निष्ठा से काम करें. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पर्यटन विभाग का, इस साल सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर सब ने अपना अपना योगदान दिया और विश्व पर्यटन दिवस को बहुत हर्षोल्लास से मनाया. Now may I call upon stage Mr. Vicky Mishra, MBBS fourth year from NIMS, to deliver his winning speech, please. Explore, embrace and enrich, bridging cultures and building peace. A very warm good evening, respected dignitaries, ladies and gentlemen. Tourism and its role in world peace. In today's increasingly dividing world, full of conflicts and wars. ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, दुनिया को भूल कर आ जाओ सब यहाँ. वेलकम टू अंडमान. लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने आज के इस भव्य समारोह को संभव बनाया. टुगेदर वी कैन कंटिन्यू टू मेक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स अ बीकन ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म एंड अ मॉडल फॉर प्रिजर्विंग नेचुरल वंडर्स ऑफ आवर वर्ल्ड. थैंक यू वन, थैंक यू ऑल. जय हिंद, जय भारत. तो चलिए अभी हम सेक्रेटरी टूरिज्म श्री विश्वेंद्र सर, हम उनसे बात करते हैं कि आज के इस विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर हमारे दर्शकों को क्या कहना है. जयंत सर. जयंत, सबसे पहले मैं वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य पे सारे द्वीपवासियों को और जितने टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ. और इस बार का जो थीम है वर्ल्ड टूरिज्म डे का, टूरिज्म एंड पीस, इसके ऊपर बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे वर्कशॉप्स
एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराए। सो टूरिज्म एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, टूरिज्म के कई एस्पेक्ट होते हैं, उसमें जो डोमिनेंट थीम है टूरिज्म का वो पीस है, उसको बढ़ावा देने के लिए एक्टिविटीज़ की गई, कई सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं, पांच नई पॉलिसीज टूरिज्म सेक्टर में आई है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हर सेक्टर में ही काम करने की और ये करने की। थैंक यू सो मच। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंट श्री विनोद जी, हम उनसे जानना चाहेंगे आज इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं, और आपको जो सम्मानित किया गया उसके लिए हमारे न्यूज अंडमान 24/7 की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं सर। धन्यवाद यामी जी, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से आपके सभी दर्शक और द्वीपों में जो पर्यटक है और पर्यटक के हितधारक है सबको विश्व पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये हमारे लिए एक पर्व है, और आपने देखा होगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर इस दिन को सफल बनाने के लिए सबने काम किया। मैं आपके माध्यम से अपने जितने पर्यटन क्षेत्र के हितधारक है मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि हर साल आप इसको फेस्टिवल की तरह मनाएं, और इस इंडस्ट्री को आगे भी बचाए रखने के लिए हम सब आज ये प्रण ले कि हम पर्यटन उद्योग के हित में और पर्यटक को के हित में काम करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टैगर सर, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? वर्ल्ड टूरिज्म डे 1980 से सेलिब्रेट हो रहा है, और हम अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स और सभी स्टेक होल्डर्स इसको एज ए जश्न की तरह हमारे आइलैंड्स में मनाते हैं। आप सभी को एक बार पुनः वर्ल्ड टूरिज्म डे की हार्दिक बधाई। थैंक यू। अंटोवा यानी अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, उनकी पूरी टीम यहां पर, और सिम्पसन सर जो आए दिन अंटोवा के तरफ से कई सारे प्रोग्राम्स भी कराते हैं टूरिज्म के प्रमोशन के लिए, आज इस अवसर पर हमारे द्वीपवासियों को बताएं। सभी को नमस्कार। हमने आज जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म अंटोवा को, अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन को हम लोग सम्मानित किया, उसके लिए मैं डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हमारे इसका जो पूरा श्रेय हमारा एसोसिएशन के मेंबर को जाया जाएगा कि उनका मेहनत की वजह से आज हम लोग को जो भी इज्जत सम्मान मिल रहा है पूरा टीम एफर्ट है। मैं हमेशा न्यूज़ 24/7 को, आपको भी, आपके मीडिया के जितने साथी है जो भी आपके साथ रहते हैं उनको भी मैं इस विश्व पर्यटन दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं दे दूं। चलिए अभी हम अंकित जी से आज के इस अवसर पर जाना चाहेंगे, उन्हें क्या क्या कहना है। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। खुशी का दिन है कि मतलब लोग सब बुला के मतलब एक मंच पे एकत्रित हुए और बहुत सक्सेसफुली जो विश्व पर्यटन दिवस है, सही मायने में टूरिज्म और पीस का जो थीम यूनाइटेड नेशंस रखा है उसको आई थिंक इन लोगों ने सबने मिलकर, हम सबने इसको बिल्कुल जायज बनाया है। एक बार सभी द्वीपवासियों को फिर से विश्व पर्यटन दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर्वम जी कुछ कहना चाहेंगे? इसमें से पार्टिसिपेट किए गए तो एंटो ऑटो और टूरिस्ट व्हीकल ओनर एसोसिएशन, इंटरनेशनल फ्लाइट के वजह से इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे और हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। यामिन 24/7 हमारे साथ रहते हैं और आडियो को लेते हैं, बहुत हम लोग को अच्छा लगता है, इनका न्यूज़ बहुत अच्छा है और इसको धन्यवाद करते हैं बहुत। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। राबिया मुस्तफा जी पर्यटन प्रबंधक हैं, टूरिज्म मैनेजर, हम उनसे बात करते हैं द्वीपवासियों को क्या संदेश देना है। जय हिंद। नमस्कार। सबसे पहले मैं न्यूज अंडमान 24/7 का यमिन जी का धन्यवाद देना चाहूंगी। वर्ल्ड टूरिज्म डे का जो सब्जेक्ट था टूरिज्म एंड पीस, उसको हमेशा बनाए रखिए, बरकरार रखिए, ताकि प्राकृतिक सुंदरता जो हमारी पहचान बनी हुई है उसके साथ साथ कि हमारे अतिथि देव भव उसको सार्थक भी हम ही लोग करते हैं, और लोग प्राकृतिक सुंदरता को देखने के साथ साथ यहाँ के लोगों का व्यवहार को भी देखने के लिए यहाँ पर आए और यहाँ से इम्प्रेस होकर जाए। हमारे साथ नन्ही सना शाहिद है जिन्होंने आज फर्स्ट प्राइज जीता है जो एलोकेशन कॉम्पिटिशन कराया गया था। सना अपने दोस्तों को और अपने आईलैंडर्स को कुछ मैसेज दें। First of all, I would like to thank the Department of Tourism, the esteemed dignitaries, my school and my family. I'm honored to stand here today on World Tourism Day as the winner of this allocation competition. Today, we celebrate the power of tourism to promote peace, understanding and global unity. As I accept this award, I just wanted to say that tourism is not just about traveling. It's about connecting cultures and breaking down stereotypes. Once again, I thank you for this great honor. I dedicate this award to the power of tourism to transform lives. Thank you. चलिए अभी हम मजीद सर से जानना चाहेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। नमस्कार। खासकर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को भी
और पर्टिकुलरली अभी प्रेजेंटली जो डायनेमिक डायरेक्टर है और सेक्रेटरी टूरिज्म है, दोनों को भी बहुत बहुत इसका हार्दिक बधाई और थैंक यू भी बोलना चाहूँगा कि सच अ वंडरफुल प्रोग्राम हैज बीन अरेंज। हिंदुस्तान में तो आज हम नंबर वन हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अंडमान को इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं और इस वर्ल्ड टूरिज्म डे में हमारी पूरी कोशिश है, जो अभी मलेशिया फ्लाइट शुरू हो रही है उससे भी अंडमान में लोग आए। आज जिस तरीके का ये रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर बीआर अंबेडकर ऑडिटोरियम में रखा गया है, इसके लिए हम डेफिनेटली हमारे आईपीएनटी को ढेरों धन्यवाद देना चाहेंगे। तमाम एसोसिएशन, जितने भी टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन अंडमान निकोबार में, जितने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं हमारे अंडमान निकोबार के, अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के और साथ ही आईपीएनटी के भी अनेकों स्टाफ यहाँ पे आज एकत्रित हुए और जिस तरीके से ये जो थीम रखा गया था वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर पीस का, इसको इन्होंने बखूबी निभाया है और बहुत ही शानदार एक कार्यक्रम का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमारा अंडमान निकोबार जो है पर्यटन के क्षेत्र में ऐसे ही फलता फूलता रहे और ज्यादा आगे बढ़े। पर्यटन एक ऐसा सोर्स है अंडमान निकोबार में जिससे अनेकों लोगों को जो है रोजगार मिलती है। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारा पर्यटन विभाग जो है, जितने भी पर्यटन से जुड़े लोग हैं, उनको हर मुमकिन मदद देगी ताकि वे आगे बढ़ सके, अपने क्षेत्र में अपना खुद का विकास कर सके, द्वीपों का विकास कर सके और हमारे अंडमान निकोबार को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब आगे बढ़ाए। और ये बहुत जल्द होता हुआ भी हम सबको दिखेगा जब ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहाँ से ऑपरेट होनी शुरू हो जाएगी। इसकी तैयारी भी बड़े काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है। पूरा सहयोग रहेगा पर्यटन विभाग को, पर्यटन से जुड़े लोगों को, कि हम हमारे मीडिया के माध्यम से भी हम जो है पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे द्वीपों का, हमारे लोगों का एक्सपोजर दे सकें और यहाँ पे हो रही जो भी टूरिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसको भी हम बाहरी दुनिया को दिखा सकें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7, जय हिंद।